गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। हाथरस में बालिका के साथ दुराचार की घटना को लेकर प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट, दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो अथवा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हुए गहन परीक्षण की रिपोर्ट, तीनों में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि दिल्ली के अस्पताल से हाथरस के केस में प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के मृत्यु का कारण गले में चोट लगने से होने वाला ट्रामा है। यही नहीं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। एडीजी ने कहा कि कतिपय अराजक तत्व प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस ने शुरू से इसमें सासमय प्रभावी कार्रवाई की, आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाना चाहते थे। जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपने तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। SIT करेगी साजिश का पर्दाफाश। हाथरस प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया है। SIT में गृह सचिव स्तर के अधिकारी, DIG स्तर के अधिकारी और एक महिला SP स्तर के अधिकारी शामिल हैं। SIT की तहकीकात में निश्चित ही बड़े साजिश का पर्दाफाश होगा। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पड़ताल जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की तह तक तहकीकात करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस घटना के अपराधियों को ऐसा दंड मिले जो आने वाले समय में नजीर बने। क्राइम इन इंडिया के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि महिला संबंधी अपराध में जो कन्विक्शन की दर है, इस मामले में उत्तर प्रदेश 2018 में भी प्रथम स्थान पर था और इस वर्ष भी है।